वर्षों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा यह हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं, लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं, मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इको सिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम तो यहां बैठे हुए काफी लोग गांव गरीब वाली पृष्ठभूमि से हैं, यहां सदन में बड़ी संख्या में लोग गांव और छोटे कस्बों से आते हैं, और गांव का कोई व्यक्ति विदेश जाए सालों तक वो उसके गीत गाता रहता है, एक आध बार भी कभी विदेश जाए देख करके आया हो, सालों तक बताता रहता है कि मैं ये देख के आया, मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा। स्वाभाविक है, गांव का व्यक्ति जितने बेचारे ने दिल्ली मुंबई भी ना देखा हो और अमेरिका जाके आ जाए, यूरोप जाके आ जाए, तो वो वर्णन करता रहता है। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। अध्यक्ष जी, हम आप लोग तो जो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं, जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है। जब ऐसे लोग भारत की स्थिति का वर्णन करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भारत में 50 साल तक उनके परिवार ने राज किया था। एक प्रकार से जब भारत के इस रूप का वर्णन करते हैं तब वो अपने पूर्वजों की विफलताओं का जिक्र करते हैं, ये इतिहास गवाह है। और इनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए नई नई दुकानें खोल करके बैठ जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा।